हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन गॉडफंड पे आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं अजमेर बकरा मंडी। बारिश हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं सब तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। अब हम बकरा मंडी के अंदर जाएंगे और आपको बताएंगे कि बकरा मंडी के क्या हाल चल रहे हैं और किस तरह से कितना जानवर आया है और किस तरह का माल आया है, ये सभी हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले बता दें कि अजमेर के अंदर बारिश हो रही है, इस कारण हो सकता है कि जानवर कम भी आया हो और हो सकता है कि मंडी की रेट तेज हो या कम हो, ये आपको अंदर जाकर के पता चलेगा। अभी हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से चल रहा है अंदर का नज़ारा। वैसे बहुत ही कीचड़ हो रहा है, रास्ता भी बहुत ख़राब हो रहा है कीचड़ के कारण, और हम देख रहे हैं जैसा कि गुजरात नंबर की बहुत ही अधिक मात्रा के अंदर गाड़ियाँ आई हैं, जो कि गुजराती लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और कार लगी भी है, खरीदारों की कमी नहीं है मंडी के अंदर। अब हम आपको मंडी के अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बारिश के कारण हो सकता है कि मंडी के अंदर माल कम हो। जैसा कि हम देख रहे हैं मंडी के अंदर बारिश होने के कारण काफ़ी लोग जो अपने अपने जानवरों को लेकर के आए हैं वो वापस अपने जानवरों को गाड़ी के अंदर लोड कर रहे हैं और वापस ले जाने की कर रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है अभी भी और कई गाड़ियाँ आ रही हैं और कई गाड़ियाँ जा चुकी हैं। ये देखिए, अभी तक कई गाड़ियों से माल ही नहीं उतरा है क्योंकि मंडी में बारिश हो रही है। इस कारण आपको हम दिखा रहे हैं कि कई गाड़ियों से तो अभी तक माल भी नहीं उतरा है क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही है अजमेर के अंदर, और अभी भी फुहार आ रही है, इससे जानवरों के बीमार होने की भी स्थिति हो सकती है। कि हमारे सामने एक गाड़ी खड़ी है जिसके अंदर अभी तक माल सिर्फ लोड हुआ हुआ है, अभी तक माल नहीं उतरा है। ये गाड़ी उदयपुर की है, इसके अंदर से अभी तक माल नहीं उतरा है। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं ये सभी कट्टू माल है। एक तरह से मंगलवार का दिन है, आज मंगलवार की मंडी है और मंगलवार की मंडी में सिर्फ और सिर्फ कट्टू माल ज़्यादा मात्रा के अंदर आता है, जबकि पालने का माल मंगलवार की मंडी को नहीं आता है। अभी आपके सामने इतनी गाड़ी खड़ी है तो ये गाड़ियों से सभी से लगभग माल उतर चुका है और कई गाड़ियों से माल उतरना अभी बाकी है। और जैसा कि हम देख रहे हैं आगे की तरफ, आज ज़्यादातर मात्रा के अंदर सिर्फ और सिर्फ भेड़ और कट्टू माल ही दिख रहा है, हमें पालने लायक माल नहीं दिख रहा है आज मंगलवार की मंडी जो है। इस कारण ये देखिए, ये पालने लायक इसके अंदर काफ़ी बकरे भी हैं और हम ये देख रहे हैं कि एक बच्चा है, बड़ा ही खूबसूरत मंडी के अंदर पालने लायक बच्चा है, ये हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए बच्चा, ये भाई के पास है, मैं भाई से पूछता हूँ कि इन्होंने ये बच्चा लिया है बेचने के लिए आए। भाई क्या नाम है भाई आपका? ये भाई का नाम मोहम्मद आसिफ है। भाई आपने ये बच्चा लिया है या बेच? कितने में लिया भाई आपने? अरे तो फिर भी एक बार अंदाज के लिए, अंदाज से फिर भी ये भाई बताने, ये भाई ने लिया है इस बच्चे को, बड़ा ही खूबसूरत बच्चा है। ये देखिए मंडी का माहौल, बारिश भी हो रही है और ये माल भी है यहाँ पर, कट्टू माल ज़्यादा है, बारिश के कारण जानवर भीगा हुआ अलग ही दिख रहा है कि किस तरह से बारिश के कारण यहाँ माल भीग गया है। ये देखिए, ये देखिए दो बच्चे यहाँ भी हैं भाई के पास में, एक पाठ है और एक बकरा है। ये देखिए कट्टू माल है, ये सभी कट्टू माल है, ये इरशाद भाई की अड़क के ऊपर। ये देखिए आपके सामने ये भाई दो सिरोही के आंडुल लेके बैठे हुए हैं। भाई ये बेच रहे हो क्या? हाँ, बेच रहे हैं। क्या मांग रहे हो, इनकी क्या डिमांड है? हाँ? क्या डिमांड है इनकी? हाँ, हाँ इसकी क्या डिमांड है? इसका डिमांड है 69,000। ये भाई के पास ये अंडू है सिरोही का, इसकी 9,000 रुपये डिमांड है। और भाई ये वाला किसका है? ये भाई का नहीं है। और यहाँ पर मंडी के अंदर जानवरों को चारा डालने के लिए खेली जो होती है वो भी उपलब्ध है। राजस्थान के अंदर अधिक मात्रा के अंदर ऐसी खेली के अंदर जानवरों को चारा डाला जाता है। ये आज मंगलवार है और मंडी के अंदर माल नहीं है, बारिश होने के कारण भी हो सकता है और मंगलवार के कारण भी मंडी में बिल्कुल भी माल नहीं है, बहुत कम माल है। माल से अधिक मात्रा के अंदर हमें यहाँ खरीदार मौजूद दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर माल की कमी है। आज हम जैसा कि मंगलवार की मंडी है, इस कारण मंडी में माल नहीं है और इसके अंदर आपको पालने के लिए अगर कुछ बच्चे चाहिए जो सोजत के अंदर आते हैं, सोजत और जोधपुर साइड की नस्ल में, मारवाड़ साइड की नस्ल में जो आते हैं, अगर उस नस्ल के अंदर आपको अगर जानवर चाहिए तो आप इस जगह से वो जानवर ले सकते हैं। और इधर की तरफ देखिए आप,
कि गुजरी के अंदर एक बच्चा खड़ा हुआ है जो हमें नजर आया है। हम आपको गुजरी बच्चा बताएंगे कि किस तरह से वो खूबसूरत बच्चा है, हम उसको पाल सकते हैं, पालने लायक बच्चा है। जिस भाई को भी चाहिए वो इस मंडी के अंदर आ सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा के अंदर बच्चे आते हैं। देखिए बड़ा ही खूबसूरत बच्चा है ये। आगे देखिए मंडी का माहौल, पूरी मंडी में कीचड़ कीचड़ हो रहा है। ये आप जैसा कि देख रहे हैं ये पालने लायक बच्चों के लिए सोजत नस्ल होती है, बेस्ट नस्ल, उसके अंदर ये बच्चे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये बच्चे हैं जो सोजत नस्ल के अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ये उस तरह के बच्चे हैं। इसके अलावा आप मंडी के अंदर कट्टू माल चाहिए है तो वो इस मंडी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में आपको मिल सकता है। और आप जैसा कि देख रखे हैं कि आज मंगलवार है, मंगलवार के कारण मंडी के अंदर माल कम है। ये देखिए ये बच्चा बड़ा ही खूबसूरत है और पालने लायक बच्चा है। हम इसको पालने के लिए जिसको भी लेना हो वो पालने के लिए इस बच्चे को ले सकता है। यहाँ मंडी के अंदर आपको अधिक से अधिक मात्रा में ऐसे ही काफ़ी खूबसूरत बच्चे मिल सकते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं मंडी में बारिश का माहौल है, ख़रीदार भी अधिक हैं और यहाँ मंडी की हालत भी है। देखिए ये एक बच्चा है पालने लायक, ये भाई के पास खड़ा हुआ है। ये भाई है लेकर आए, हम पूछते हैं इनसे, भाई कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हो? राजगढ़ से। क्या नाम है आपका? बबलू। ये बबलू भाई है, ये बच्चा आपके पास कितने महीने से है भाई? 12 महीने। 12 महीने का है, क्या मांग रहे हो उसका? 12,000। ये भाई के पास ये बच्चा है 12 महीने का, ये भाई 12,000 डिमांड कर रहे हैं। जिसको भी पसंद आए ये भाई से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये भाई का नंबर बुलवा देता हूँ मैं, आप भाई का नंबर बोल दो भाई आपको। फोन रखता नहीं हूँ। ये फ़ोन नहीं रखते हैं भाई, आपको ये बकरा मंडी के अंदर ही मिलेंगे और भाई से मिल कर कॉन्टेक्ट। ये देखिए ये बच्चे हैं बड़े ही खूबसूरत हैं, ये भाई के पास में जैसा कि हम देख रहे हैं ये 4 बच्चे हैं भाई के पास। ये एक वाइट बच्चा है, ये देखिए यहाँ हमारे सामने मेवाती लोट खड़ा हुआ है। इसके अंदर काफ़ी सारे बकरे, काफ़ी सारे बकरी हैं, बच्चे मेल फीमेल और बच्चे जो भी हैं आपके सामने हैं। और हमारे सामने एक और इसके अंदर मेवाती में बीटल खड़ा है, जिसको भी ये भाई को ये बच्चा चाहिए ये देख सकता है। ये पालने के लिए इनके पास बड़े ही खूबसूरत जानवर हैं। ये देखिए भाई, जिस भाई को भी क्रॉसिंग के लिए ये चाहिए वो यहाँ आ सकता है। अजमेर के अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर ऐसे जानवर आपको मिल सकते हैं। ये ब्रीडिंग के लिए जानवर सबसे बेस्ट माना जाता है और इसकी हाइट भी ऊंची जाती है काफ़ी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही शानदार नस्ल का बकरा दिख रहा है हमारे को मेवाती, और इसकी नस्ल भी काफ़ी ज़्यादा फैलती है। के अलावा इन भाई के पास में और भी ऐसे बीटल मौजूद हैं, ये आप देख ही रहे होंगे। ये देखिए और 2 बच्चे वो खड़े हुए हैं यहाँ पर भाई के पास में, और ये भी देखिए यहाँ मेल फीमेल वगैरह सभी है। और आपके लिए ख़ास न्यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी भाई गुजरात महाराष्ट्र या हैदराबाद साइड के अंदर जो भी भाई बकरे पालने का शौकीन है, पलवाने का शौकीन है, वो हमारे इमरान भाई से कॉन्टेक्ट कर सकता है। इमरान भाई का कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। और जबकि हम इमरान भाई से अच्छे बकरे पालने के लिए हम इमरान भाई के पास आते हैं और इमरान भाई के काफ़ी अच्छे बकरे पालते हैं, जैसे 100 किलो 200 किलो का बकरा भी इमरान भाई बनाते हैं। 100 किलो से ऊपर 200 किलो तक का बकरा इमरान भाई आपको बना के दे देंगे अच्छे दाम के लिए। अच्छी जान बोलना है कि जैसे कि 1-2 बकरा नहीं, मतलब 50 का लॉट, 100 का लॉट, 150 बकरे कोई पलवाना चाहता है ना, तो अपने पास गाँव में जगह है, अपने रिलेशन में अपन वहाँ पाल सकते हैं। पेपर वर्क करवाओ कोर्ट के ज़रिए, तो पेपर वर्क भी करा सकते हैं अपन, और अपनी रेट 1500 से लेकर 1600 रुपये पर नग के हिसाब से रहेगी। जो भी अपन बेड के बात होगा ऑन टेबल अपन कर लेंगे, और 15 दिन में 20 दिन में या 5-10 दिन में आपका अजमेर में राउंड लगता है, तो आप अपने बकरे आके चेक कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, या आप अपने फार्म के ऊपर जैसे भी कैमरा लगवाना चाहे आपके ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर भी दिख सकता है, ठीक है ना। और मेरा नंबर है 7737079866। ठीक है,
आज के लिए शुक्रिया, आज के लिए आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी था। अजमेर की मंडी का आज का माहौल हमने आप सभी लोगों को दिखाई दिया है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को एंड तक पूरी देखें, और हो सके जितने लोगों को बताएं कि अजमेर बकरा मंडी के लिए जानकारी के लिए हम KGN गोट वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिस भाई को बकरे पालने हैं जैसा कि मैंने आपको बताया आप इमरान भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।